तो आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही खास सफर की ओर, जो कि है हर की पौड़ी, जो कि हरिद्वार में स्थित है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। आज का दिन बहुत ही अद्भुत होने वाला है। हमने अपना सफर शुरू किया दिल्ली के निकट जिला गाजियाबाद से। सुबह फटाफट रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और अपनी ट्रेन का इंतजार किया। हमारी आज की यात्रा का शुभारंभ यहीं से हुआ। ट्रेन की धड़कन, प्लेटफॉर्म की भीड़ और सुबह की हल्की सी ठंडक हमारे सफर को और रोमांचक बना रही थी। तभी ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आगमन हुआ। हमने फटाफट अपना कोच ढूंढा और इस ट्रेन के सफर में शामिल हो गए। अंदर की भीड़ और अपने परिवार का साथ इस यात्रा को उत्साह से भरपूर कर रहा था। शताब्दी ट्रेन की सीटें काफी कंफर्टेबल थी, जो इस यात्रा को आरामदायक बना रही थी। इस सफर के लिए हमारी दोस्त घर के बने हुए ब्रेड पकौड़े लाई थी, जो कि काफी टेस्टी थे, जिसने हमारे सफर को मजेदार बना दिया। बातों बातों में और बाहर के खूबसूरत नजारों के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। सच में दोस्तों और परिवार वालों के साथ किया हुआ सफर यादगार और मजेदार होता है। हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। जैसे जैसे ट्रेन यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, हमारे मन में अलग ही गुदगुदाहट बढ़ रही थी, जैसे कि हम अपनी मंजिल के और नजदीक आ गए। सच में ये यात्रा हमारे दिल में अलग छाप छोड़ रही थी। यात्रा के दौरान किया हुआ हंसी मजाक और बिताया हुआ समय बहुत सुनहरा था, हमें हमेशा याद रहेगा। ट्रेन के हरिद्वार प्लेटफॉर्म पे लगते ही हम उतर गए स्टेशन पर। स्टेशन काफी साफ सुथरा था और यहाँ की हवा काफी साफ और हल्की ठंड से भरी हुई थी। हम फटाफट स्टेशन के गेट की ओर बढ़े। यहाँ पर बाहर लगी हुई शिव प्रतिमा और स्टेशन की इमारत एक मंदिर के जैसी लग रही थी, जो कि काफी सुंदर और देखने लायक है। यहाँ पर हर की पौड़ी जाने के लिए ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। हर की पौड़ी स्टेशन से काफी नजदीक है। हम इसे पैदल भी कवर कर सकते थे, पर इस बार हमने ऑटो लिया और पहुँच गए हर की पौड़ी। यहाँ पर काफी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। हर की पौड़ी एक पवित्र स्थल है और एक आदर्श पर्यटन स्थल है। इसका हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय स्थान है। यहाँ पर गंगा स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ गंगा स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये घाट एक दिव्य धरोहर है। ये हिंदू परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। ये घाट सैकड़ों वर्षों से अनगिनत धार्मिक आचरणों और आध्यात्मिक जनसभाओं का गवाह रहा है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने अपने चरणों का प्रतिष्ठान छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह का नाम हर की पौड़ी पड़ा, क्योंकि हर की पौड़ी का मतलब है भगवान के पैरों की छाप। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से कुछ बूंदे चार जगहों पर गिरी थी, जिसमें से एक हरिद्वार भी है। इसी कारण से कुंभ का मेला यहाँ भी आयोजित होता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ भी किया था। इन सभी बातों के कारण हरिद्वार एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, जो कि अपने धार्मिक कारणों से फेमस है। धीरे धीरे चलते चलते हम धनुष पुल के पास पहुँचे, जो एक धनुष के जैसा ही बना हुआ है। वहाँ पर घाट काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु लोग आए हुए थे। घाट के आसपास काफी भीड़ थी। हम भी उस भीड़ का हिस्सा बने और अपने लिए स्नान करने की जगह ढूंढी। गंगा नदी का पानी का बहाव काफी तेज था। बहाव देखकर तो डर ही लग रहा था, फिर भी हिम्मत करके हम स्नान करने के लिए पानी में उतर ही गए। तब पता चला पानी तो काफी ठंडा भी है, पर पहली डुबकी के बाद हमें मजा आ गया। फिर हमने अपने परिवार के साथ काफी देर तक गंगा स्नान किया। हमारा तो बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, पर मन मार कर हमें बाहर निकलना ही पड़ा, क्योंकि हमें आगे के सफर पे भी जाना था। हमने फटाफट कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करके आए तो हमें एक आंटी दी, जो कि टीका लगा रही थी। स्नान के बाद अगर चंदन का टीका न लगवाया तो कहीं ये सफर अधूरा न रह जाए, तो हमने भी टीका लगवा ही लिया। ये टीका लगा के तो काफी सुंदर लग रहा था और हम भी असली भक्त की तरह नजर आ रहे थे। घाट पे काफी समय बिताने के बाद अब बारी थी कुछ खाने की। पास में ही हमने एक वैष्णो ढाबा देखा, जो कि हर की पौड़ी के नजदीक ही था। हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए और उसका आनंद लिया। यहाँ का खाना काफी टेस्टी था। इसके बाद हमने एक कप चाय पी और निकल पड़े आगे के सफर की ओर। सच में ये यात्रा काफी मजेदार थी। फिर हमने उठाया अपना बस्ता और नई ऊर्जा के साथ निकल पड़े नए लक्ष्य की ओर, जो कि था योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश का सफर काफी मजेदार होने वाला है। इसमें हमने क्या क्या मजे किए और कैसे वहाँ पहुँचे, इसकी डिटेल वीडियो हम जल्द ही डालेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।